Hello students, in this lecture we will see numerical number 6 based on transient analysis. If you observe this circuit, this is parallel combination of R, L and C, and they are asking us to calculate V dV by dt and D2V by dt square at t is equal to 0 plus. And V of t they have shown over here. That means V of t is measured with respect to this reference node. So you can write even V of t over here. Don't get confused with this notation. V of t is the nodal voltage. ये type के numerical आपको solve करते समय you have to analyze the circuit at three instances. First at t is equal to 0 minus, और 0 minus पे क्या हो जाएगा, तो स्विच आपका ओपन है एंड द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस वन. सेकेंड आपको एनालाइज करने का रहता है एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, एंड थर्ड वन फॉर t ग्रेटर देन 0. सो विल प्रोसीड फॉर द एनालिसिस ऑफ द सर्किट. फर्स्ट ऑफ ऑल एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस व्हाट इज हैपनिंग, तो स्विच तो आपका ओपन है, सो दैट यू हैव टू नोट डाउन. स्विच इज ओपन एंड नथिंग इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर और दिस इंडक्टर और दिस कैपेसिटर, एंड दिस वोल्टेज यू हैव टू शो एज वी ऑफ 0 माइनस. द सेम थिंग यू कैन इवन रिप्रेजेंट ओवर हियर, वी ऑफ 0 माइनस. सो वी ऑफ 0 माइनस आपका क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट. उन्होंने कैपेसिटर के ऊपर कुछ भी इनिशियल वोल्टेज नहीं दिया है, इसके लिए ये वी 0 माइनस 0 वोल्ट आ गया है. नाउ एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस द स्विच इज क्लोज, और स्विच जैसे ही क्लोज हो जाता है व्हाट विल हैपन, फॉर सडन चेंज कैपेसिटर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट. बिफोर दैट आई विल शो द वोल्टेज ओवर हियर, दिस इज वी 0 प्लस, इवन दिस वोल्टेज यू हैव टू राइट डाउन एट वी 0 प्लस, एंड यू हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन इन द सर्किट. First modification is related to the switch position. Now the switch is closed, so it will act as a short circuit. And suddenly this current gets applied to this element. Sudden change, capacitor acts as a short circuit and inductor acts as open circuit. So ये inductor का ये पूरा terminal जो है इधर से मैं निकाल देता हूँ. And I have to place two short circuits at this position. The first one is for the switch and the second one is for the capacitor. तो capacitor short circuit हो गया है और ये इंडक्टर था, ये ओपन सर्किट हो गया है. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस 10 एम्पीयर, दिस एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट. रादर यू कैन से दैट वी 0 प्लस इज कनेक्टेड टू रेफरेंस नोड थ्रू दिस शॉर्ट सर्किटेड पार्ट ऑफ द कैपेसिटर, सो वी 0 प्लस विल रिमेन 0 वोल्ट. हियर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट वी हैव टू रिकॉल व्हाट इट सेज, करंट थ्रू इंडक्टर कैन नॉट बी चेंज सडनली. सो टी 0 माइनस पे इसमें से 0 करंट जा रहा था, T 0 प्लस पे भी इसमें से 0 करंट जाएगा बिकॉज इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. T इज इक्वल टू 0 माइनस पे कैपेसिटर के ऊपर 0 वोल्टेज था. नो कैपेसिटर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट एंड इट वोंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट. तो ये तो हो गया है. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर एनालाइजिंग द सर्किट फॉर T ग्रेटर देन 0. एंड नाउ दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे विल स्टार्ट शोइंग दिस प्रॉपर्टी. इधर आपको वोल्टेज दिखाने का है, दिस इज वी ऑफ टी, इवन दिस नोडल वोल्टेज विल बी वी ऑफ टी बिकॉज वी आर टेकिंग रेफरेंस नोड ओवर हियर, एंड वी हैव टू शो दैट द स्विच इज क्लोज. बी केयरफुल अबाउट दिस वन. सो मैंने ये मॉडिफिकेशन कर दिया है. नाउ वी हैव टू अप्लाई केसीएल एट दिस नोड. व्हाई केसीएल, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट वोल्टेज, एंड केसीएल सेज दैट समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट. और एक इधर इनकमिंग करंट है वो है 10 एम्पियर. सो 10 एम्पियर इज इनकमिंग करंट आई एम राइटिंग ओवर हियर, एंड रिमेनिंग 3 करंट्स आई विल अज्यूम एज आउटगोइंग. सो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस वन कैन इजिली राइट डाउन, एंड दैट करंट कैन बी रिटन एज वी ऑफ टी माइनस 0/2. नाउ वी हैव टू राइट डाउन द करंट थ्रू इंडक्टर. करंट थ्रू इंडक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ टी डीटी. सो हियर वी विल हैव 1/1, दिस वन इज फॉर इंडक्टर का वैल्यू 1 हेनरी, इंटीग्रेशन रेंजिंग फ्रॉम 0 टू टी वी ऑफ टी डीटी. And now you have to write down current through the capacitor. And current through the capacitor is given by the formula C dV by dt. So here you will have 0.5 into 10 to the power minus 6. And here you will have dV by dt. dV of t by dt. Or the incoming current is 10 ampere that I am writing over here. So yahi equation mein aapko V of t aa gaya hai. So no need to differentiate this one. And we will call this as equation A. We'll put t is equal to 0 plus. So t is equal to 0 plus डालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, v 0 plus by 2. And now you have to proceed for the integration from 0 to 0 plus. So this is very small interval. And integration आपको मालूम है, it is the area under the curve. And if when you are talking about a point, the area under the curve is 0. So ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. And here you will have 0.5 into 10 to the power minus 6.
dv0 plus by dt is equal to 10. So आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. v0 plus का क्या वैल्यू था, देखो v0 plus का वैल्यू था 0 वोल्ट. सो ये हो जाएगा 0 एंड देन इट टर्न्स आउट टू बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डी वी 0 प्लस बाई डी टी इज इक्वल टू 10 एंड वन कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वी 0 प्लस बाई डी टी. इट विल बी 10 डिवाइड बाई 0.5. 10 डिवाइड बाई 0.5 तो ये वैल्यू हो जाएगा 20 और 10 टू द पावर माइनस 6 डिनोमिनेटर में उसका मीनिंग है 10 टू द पावर 6 इन द न्यूमरेटर और यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर सेकेंड. सो डी वी 0 प्लस बाई डी टी कैलकुलेट क्या है. नाउ द लास्ट पार्ट. Now you have to calculate second derivative. So for that purpose, we'll differentiate equation A with respect to t. और जैसे ही आप equation differentiate कर देते हैं, तो this will become 1/2 dv of t by dt. इधर integration है और अभी आप differentiation कर रहे हैं, तो ये तो cancel हो जाएगा and you will get 1 v of t. This will become second derivative. So you will have 0.5 into 10 to the power minus 6 d2 v of t by dt square. और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. तो अभी आपको क्या सब्सटीट्यूट करने का है, टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. सो पुट टी इज इक्वल टू 0 प्लस. सो दिस विल बिकम हाफ डी वी 0 प्लस बाय डी टी. जो वैल्यू अपने को मालूम है, हम लोग ने कैलकुलेट किया है, वी 0 प्लस इधर आ जाएगा. बट वी 0 प्लस तो 0 ही था, हम लोग ने देखा है. सो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू 0 प्लस बाय डी टी इज इक्वल टू 0. तो ये तो जीरो आ गया. सो मैं इधर डी टू वी जीरो प्लस बाई डी टी स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूँ. तो ये आ जाएगा इधर, ये माइनस हाफ उधर चला जाएगा और डी वी जीरो प्लस बाई डी टी का वैल्यू था 20 इंटू 10 टू द पावर 6. और अभी डी टू वी जीरो प्लस बाई डी टी स्क्वायर, इधर डी टी स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. सो वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. सो दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस 20 बिकॉज 2 इंटू 0.5 इज 1, माइनस 20 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12. और यूनिट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर. वी हैव एनालाइज पैरेलल आरएलसी सर्किट इन दिस न्यूमेरिकल और लास्ट दो लेक्चर में हम लोग ने पैरेलल आरएल और पैरेलल आरसी भी एनालाइज किए हैं. थैंक यू.